देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। दिल्ली और मुंबई में थोड़ी धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, लेकिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में डरा रहा तीसरी लहर का खतरा। समान नागरिक संहिता पर अर्जियों का सुप्रीम कोर्ट में करे स्थानांतरण, 3 याचिकाएं दायर कर गई मांग। दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के सबूत, 95% में मिला ओमिक्रॉन, 87.8% को दोनों डोज के बाद भी संक्रमण। SBI ने सावधि जमा पर ब्याज दर बढ़ाई, प्लास्टिक के झंडों के इस्तेमाल पर रोक। मुंबई में मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, 17 पर केस दर्ज। जेल से निकलते ही अब्दुल्ला आजम बोले, चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी, 10 मार्च का इंतजार करें। यूपी में 22 जनवरी तक नहीं होगा रैली और रोड शो, चुनाव आयोग का प्रतिबंध जारी। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर मिर्जापुर बॉर्डर पर मिला नकली बम, अंडरग्राउंड पुलिया के नीचे बरामद हुआ बम। भाजपा ने लगाई अखिलेश के घर में सेंध, अपर्णा यादव हो सकती हैं पार्टी में शामिल। भाजपा ने लगाया पुराने दिग्गजों पर दांव, उम्मीदवारों में मामूली बदलाव। भारत रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील पर अमेरिका नहीं लेगा एक्शन, बाइडेन प्रशासन ने दिए संकेत। अमेरिका में 24 घंटे में मिले 8.51 लाख कोरोना संक्रमित, मदद के लिए सैनिक रवाना। बोरिस जॉनसन पर इस्तीफे का दबाव, भारतवंशी वित्त मंत्री ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए पीएम की रेस में आगे। मुख्य न्यायाधीश ने खराब शासन के लिए इमरान सरकार की खिंचाई की, कहा धर्म के प्रति वफादारी विकास में बाधा डालती है। जापान में सुनामी, 3 फीट तक उठ सकती है लहरें। प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी फटने के बिगड़े हालात। कोहली के कप्तानी छोड़ने पर बोले गांगुली, ये उनका निजी फैसला, BCCI इसका सम्मान करती है। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल क्रिस एवर्ट कैंसर से पीड़ित, 18 बार जीत चुकी हैं ग्रैंडस्लैम। प्रोफेसर कबड्डी सीजन 8 में हुआ 11वां टाई, बंगाल वॉरियर्स और यू मुआ का मुकाबला बराबरी पर हुआ समाप्त। पाल में भारत की नीदरलैंड से 204 रनों पर किया ऑल आउट, दक्षिण अफ्रीका से पहली बार होगा मुकाबला। गोल्फर चिक्कारम गप्पा सिंगापुर टूर्नामेंट में 3रे स्थान पर, जोशी चौथे स्थान पर खिसके। हुनरबाज के मंच पर शहनाज गिल का जलवा, रांझा सॉन्ग गाकर फैंस को किया इंप्रेस। उर्वशी रौतेला को क्रिकेट और 45 मिलियन फॉलोअर्स पर किया गया ट्रोल, एक्ट्रेस ने दिया मुंह तोड़ जवाब। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जन्मदिन से पहले शुरू की फिल्म योद्धा की शूटिंग, जल्द रिलीज होगी फिल्म।
रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी को आखिर क्यों अपना रिलेशनशिप करना पड़ा, ऑफिशियल एक्ट्रेस ने दी जानकारी। मां अमृता सिंह के साथ महाकालेश्वर मंदिर पहुंची सारा अली खान, फिल्म लुका छुपी 2 के लिए मांगी मन्नत। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।